यदि आपके पास लगाने को पैसा है तो किराना स्टोर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि एक सफल किराना स्टोर खोलने के लिए सिर्फ पूंजी ही नहीं, एक उन्नत सोच की भी आवश्यकता है। सही समय पर सही कस्टमर तक सही दाम में सही सामान कैसे पहुंचाना है, ये समझना एक किराना स्टोर मालिक के लिए बहुत आवश्यक है। नीचे दी गई कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप भी अपना एक सफल किराना स्टोर खोल सकते हैं। चुने एक उपयुक्त लोकेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर कहाँ मिलेंगे, उसी को ध्यान में रखकर आपको अपने स्टोर की लोकेशन पर निर्णय लेना चाहिए। अपने प्रतियोगियों पर भी नजर रखें, आसपास जितने कम प्रतियोगी होंगे उतना ही आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही आप जो भी लोकेशन चुने ध्यान रखें वहाँ सिक्योरिटी, पार्किंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। साथ ही अपनी फाइनेंशियल स्थिति का भी ध्यान रखें। बहुत ज्यादा महंगी जगह आपको लॉस में ले जा सकती है। लोकेशन संबंधित जरूरी लाइसेंस और परमिट जुटाना भी एक जरूरी काम है। समझदारी से करें इन्वेस्ट। किराना स्टोर खोलने के लिए आप दो तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी। पहला, तो आप किसी बड़े लेवल के डिपार्टमेंटल स्टोर की फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं। इससे आपको संबंधित ब्रांड द्वारा स्टोर खोलने से लेकर चलाने तक पूरा सपोर्ट मिलेगा। बदले में आपको फ्रेंचाइजर को एक शुरुआती शुल्क और समय समय पर तय रॉयल्टी चुकानी होगी। फ्रेंचाइजी आपको इसके बदले अपना ट्रेडमार्क और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचने का अधिकार देती है। अपने एरिया में उपलब्ध फ्रेंचाइजी की जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। स्वचलित स्टोर। आप किसी भी ब्रांड के अंतर्गत ना आकर स्वचलित स्टोर भी खोल सकते हैं। इसमें फ्रेंचाइजी के मुकाबले कम खर्च आता है। हालांकि इसमें सब कुछ आपको खुद ही अरेंज करना होगा। आप अपने बजट और लोकेशन के आधार पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोकल कस्टमर्स की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए अपना स्टोर डिजाइन करें ताकि वो अपनी दुकान से जुड़ाव महसूस कर पाए। अच्छे और सही दाम लेने वाले डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। कोशिश करें कि आपके किराना स्टोर में आपके कस्टमर्स की जरूरत का लगभग हर सामान उपलब्ध हो। बेचने के लिए चुने सही सामान। आपके आसपास जो भी किराना स्टोर है संभव हो तो उन पर एक छोटी सी स्टडी करें। ध्यान दें कि वो किस ब्रांड के कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके अच्छे बिकने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं और कौन से प्रोडक्ट की कम बिक्री हो रही है। पसंद नापसंद और डिमांड जानने के लिए चाहें तो एक सर्वे आप अपने होने वाले कुछ कस्टमर्स पर भी कर सकते हैं। ये आपको सामान के लिए चुने सही सप्लायर। आप चाहें तो ये सामान डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीद सकते हैं या फिर डायरेक्ट होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेना इन दोनों के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इसलिए बेहतर रहेगा यदि आपको कोई बढ़िया होलसेलर मिल जाए। एक बार आपका स्टोर सेटअप हो जाएगा तब होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आपसे खुद ही संपर्क बढ़ाने लगेंगे। कुछ बड़े ब्रांड जैसे नेस्ले, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर आदि आपको थोक खरीदों पर काफी अच्छे डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसे ब्रांड्स के साथ खुद को रजिस्टर करें। दुकान पर कितना रखें सामान। बहुत ज्यादा स्टॉक रखने से आपका पैसा फंस सकता है और कम स्टॉक के कारण आप कस्टमर्स को निराश कर सकते हैं, इसलिए ना ज्यादा कम ना ज्यादा। अपने पास लगभग 2 हफ्ते का स्टॉक रखें। सीजन के साथ बदलती कस्टमर्स की डिमांड्स का ख्याल रखें। स्टोर मार्केटिंग भी है जरूरी। अपने स्टोर के प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए आप अपने स्टोर पर बैनर, फ्लायर्स आदि रखें। लोगों को आपकी दुकान याद रहनी चाहिए। अपने कस्टमर से उनका मोबाइल नंबर ले लें और SMS के माध्यम से अपनी दुकान पर आने वाले नए ऑफर्स या प्रोडक्ट्स की जानकारी उन तक पहुंचाते रहें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।